से नहीं मिल सकते हो न मिलने दूंगा। ए भैया तोहरे यहाँ हम इतना दिन से नौकरी करता है भाई, बहुत दिन से नौकरी करता है भाई, हमार कहा तो जिन करा विदाई हमें नहीं कहता है कि तू अपन मेहरारू विदा कह दिया ठीक है, जब स्कूटर पैसा अंगूठी चैन दे है तिनका विदा कर बिटिया, लेकिन भैया बाप है इतने दूर आए हैं तिनका मिले दिया भाई मिल ले ओकरे बाद विदाई जिन करा भैया हम हाथ जोड़ते हैं प्रमोद। हाँ भैया तुम हमारे वफादार आदमी हो। हाँ भैया अगर तुम कह दो तो मैं इससे मिलने दूंगा। हाँ भैया लेकिन मेरी शर्त है बताओ इससे कुछ दूर कर दीजिए। हाँ। और ममता को मेरे पास बुला कर लाइए। ठीक है भैया हम बिल्कुल जैसे कहा था वैसे करो जाइए। एक आका एक मिनट यहीं बैठ जा एक ममता लिया क्या ममता। हाँ भाई जेल भेजा कर रहे लेकिन आ यहाँ बाप हो के गरीब आज इनके गरीबी सब करवा बती बा इन्हों बड़ा सेठ रहे लेकिन फैक्ट्री में आग लागे से ऐसा काम होत बा एक स्कूटर और 50,000 रुपया नगद की से ये सब काम हो रहा है आप लोग देखते जाइए। क्या बात है स्वामी जो आपने मुझे बुलाए। मेरी बात इधर आओ बोली सुनो तुम्हारा बाप आया है ठीक 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 मेरी बात ध्यान से सुनना बहुत बड़ा पागल है। बोलिए आप क्या कहना। तुम्हारा बाप आया है उससे तुम मिल सकती हो लेकिन अगर तुमने हमारे परिवार के बारे में या हमारे बारे में अगर तूने बुरा भला कहा तो जैसे मैं दो बीवियों को मार डाला वैसे तुमको हम फूंक दूंगा पल जाओगे। नहीं स्वामी मैं अपने बाबू से कुछ नहीं बताऊंगी कुछ नहीं बताऊंगी। अगर सांस निकली तो माँ कसम इतना मारूंगा ना याद रखना जला के मार डालूंगा। मैं कुछ नहीं कहूंगी अपने बाबू से। ऐसा ही होना चाहिए अच्छी लग रही हो। प्रमोद भैया बाबूजी हमारे कहाँ हैं? देख लीजिए ये सब गरीबी जिसके पास पैसा नहीं है उसकी बहू बेटियां देखो ऐसा होता है बेटियां ऐसे सताई जाती हैं जैसे आज इस घर में ममता सताई जा रही है। देखिए एक गरीब बाप कैसे मार खा रहा है और क्या कहता है। बेटे तुम कैसे हो बाबू? मैं ठीक हूँ मेरा परिवार खुशहाल है हमारे ससुराल में किसी भी चीज की कमी नहीं है बाबूजी आप बहुत अच्छा जगह मेरी शादी किए हैं तुम्हारी बिटिया एकदम खुश रहती है यहाँ पे बाबूजी। नहीं बेटी नहीं मुझे जो फल मिल रहा है मैं कैसे जानूंगी तुम एकदम खुश हो बेटी। मैं जाके जो झूरी पूरी थोड़ी सी जगह है मैं बेच के आपका दहेज चुका दूंगा बेटी ताकि मेरे नजरों से खुशहाल रहो मैं खुशहाल। नहीं बाबूजी ये आप क्या कह रहे हैं वही थोड़ी बहुत जमीन पड़ी हुई है अगर उसे आप बेच देंगे तो आप किसके भरोसे किसके सहारे रहेंगे मेरे खातिर मेरे जरिए जमीन को बेचेंगे। नहीं बेटी बाबू ये तुम्हारी बिटिया कह रही है ममता ये जमीन उमीन मत बेचना मेरे लिए। नहीं बेटी नहीं बाबू आपकी बातों में नहीं आऊंगा।
बाबू, आज तुम्हारी बिटिया ममता कसम खिलवा रही है अपने आप की। नहीं बेटी, तू नहीं कसम। जमीन मत बेचना बाबू, नहीं तो आप कैसे रहेंगे। ठीक है बेटी, मैं जा रहा हूँ, तू अपना ख्याल रखना बेटी, मैं जा रहा ज्यादा भाभी बेटे जाने दीजिए। रोइए नहीं, हौसला रखिए, हौसला रखिए। इस सीन को देखकर, गरीबी की सीन को देखकर के हमारे दशरथ कोरी कव्वाल मास्टर साहब 11 रुपया दिए हैं। चाचा जी को हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। क्यों रे हराम जाती, मेरी बात सुन गौर से, जो मैं कहने जा रहा हूं। तुमने मेरा बात गौर से सुना था, लेकिन मेरे खिलाफ तूने आवाज उठाई। सुनो मेरी बात। अरे किया किया ममता भारी का, किया ममता भारी का, जरा ना खाया मेरा। बस करा भैया, बस करा, सही आए गलत करी, जब कहा रहन कि हम बेच खोज के सब दे रहा दिया। इस सीन के देख के हमारे माता बदल इसी ग्राम से बक रहने वाले हैं, कई रुपया दे रहे हैं। चाचा जी को हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। सुन मेरी बात हराम जादी, सुन मेरी बात, और तरह खोफू ममता ये खाया। Thank you.
करे भाई अम्मा के करे ए अम्मा अम्मा हमके बचाए ले नहीं मार दइए हमका ए का भवाया हकीरे तलर एमो लखा मरे कहती मारे का हर जाय क्या का भा बेटवा का भा विजय का भा का चलो माजी माजी हां मैं करबु तुम्हारा भाई जाइयो चली जाओ अरे सुना बात कल मोही माजी ममता ये जो ममता है इसका बाप आया था मनोहर एक बाप आ रहा मनोहरा चेहके बिटिया यही हाँ हाँ माई अच्छा और जब मनोहर सेठ ने कहा जब मैंने दहेज के बारे में बात किया उसने कहा बेटा मैं खेत बारी घर द्वार बेच कर मैं चैन अंगूठी 50,000 रुपया आपको दे दूंगा सही कहे मैं यहाँ से गया ये जो निहाई तोहरा दिन दूर साले पागल तोहरा दिन दूर तोहरा हाथ का तिखट जा जाए उसके बाद ग्रामी गारू हो जब उसने कहा मचाया उठे सारी 50,000 रुपया लाकर तुम्हें दूंगा हाँ सही कहे खेत बारी घर द्वार बेच करके लेकिन ये साराम गादी ने ममती इसने कहा बाबूजी अगर घर बेच दोगे तो रहोगे कहाँ अच्छा अगर खेत बेच दोगे तो खाओगे क्या ये हराम पगला जी अब हमसे अकेले अब एक काम हम करब काम ये कर चढ़ई तू जोन तोहरा मोहम दांत लाए बे बोले खातिर कौआ रहा था ना हम कहू काम ये तुम कहीं कमो तू करबु तेरा ये बताई ए बेटवा पीजे हो तू आराम से चला घरे हम तो का बतावत है माई पानी पीबू पानी लेते हैं एक लोटा नहीं हम एकदम जान ला की एकदम पियासी चली आवत गई गाय भाई सही गई हर जाइए हम आज कहा कि यहां पानी ए माई चला तो का चाय पिया दे चाय बनाए ये सब को पिया चाय बनाए अरे बंदी अपने बाप क्यों क्यों ना अरे ममती तू अपने अरे बाप की क्रोधी अरे दहेज लाने तो चल कर ममती हर जाए जब तोर बाप जात रहन है आराम से खेत बारी बेच जाही रोड पे आए जा तो ऐसी का पड़ी रही हम सी खाली दहेज से जितना कह रहा है वो कर दहेज के पैसा और एक स्कूटर अरे नहीं इस दशा में ए मैया अरे दहेज का
तोहरा शरम लागत माई माई शांत रह ए माई सुन लिया शान है वो था देखा देखो भाईरो चढ़ाए दे ये ना 6 महीना कुर्बी हो जा हे रे हे ओ जाग बताए थे अरे मेरी बात सुन ये हमारे घर है परिवार एक बात दिया चाहे ओझा हो चाहे सोखा हो अगर हमारे घर परिवार के बीच में बोली है तो उनके पास पानी उतार के पाते चढ़ाए दे उनके पानी उतार के अपने खेत में लगा लियो ए माई एक घंटा तू लगा ले घंटा ओझा लगा ले ए माई सुनो माई मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो इस समय आप चलिए उसके बाद मैं इसे समझा के आ रहा हूँ चल खाना बनाओ चल हर जाए चल हर जाए चल कौन हर जाए चले कौन हर जाए चले कब है कब सुनो भाई इस समय हम चलते हैं कहाँ जाता है का करी हाँ चला चला वहाँ माटी दे जाता है करे करे टोक दे थे तू का करे टोक दे थे खाना पीना बनवाती हाँ बनवाए नहीं उनका हर जगह ऊपर हाँ हाँ मैं तो वहाँ हाँ सुन ले हाँ ये मैं सुन ले एक जान ले तोरी माई के हाँ तोरे माई के बेटवा लगे यह थवा तो हर मुर्गिया के मुर्गिया थे नहीं नहीं यह कहा था तोरी माई के बेटवा लगे हम कुछ कहा था ना हाँ ठीक है ए बेटवा माई हमें एक बात बता ऐसे तो हम उबियाएगे है ना एकदम उबियाएगे हमारा दिमाग जो ना काम नहीं करता कौन दिन माई हमारे हाथे ऊट पटांग हो दिक्कत बाढ़ गई भाई ए बेटवा हाँ भैया के बोलता है अच्छा हाँ हाँ के कमाल कहाँ से भैया कैसी बात कर बे अच्छा दे क्या ए ए ए माई ओ हने ले कमल केहू तो सी बात कह रहा का हां बेटवा के या बात कह रहा कमल बात कर रहा है कमल बात कह रहा है बियाह हुए खातिर का हियाला धीमे धीमे बोला कर मैं बयाई जे बरात हां बेटवा कमल कमल हां बेटवा का भा अच्छा आई है का अबे अबे चल चला पैसा तय कर पांच लाख रुपये पांच लाख हाँ भैया बात है हाँ पांच लाख लेके चला है ठीक है पांच लाख रही यार पांच लाख हाँ हाँ पांच लाख हाँ पांच लाख लेके चलाया और गाड़ी उड़ी कहीं बोलोरो 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 ए बेटवा हमका पांच चक्का वाली गाड़ी चाहिए रे पांच चक्का के नहीं होत माई चार चक्का खोत बहुरा जी बेटवा जो लेके पिछवा ले राती पिछवा और का यार तोका कुछ पता है ऐसे चढ़ना माई के ऊपर गाड़ी पे माई को बहुत पागल आदमी है सतवा गाड़िया पे ऐसे चढ़ेंगे देखा माई कितना समझदार यहाँ अरे यार पांच चक्का गाड़ी कहाँ होते यार टांगा रहा था बेटवा तू पगला जी चार ठीक चलत रहा था एक ही पिछवा धत लगा ना रहा इस चपनिया का है हाँ हाँ ठीक है चल रखा तू जब आवे खोल तब चला जा पैसा लेता है अपने बहन के साथ लिया ये बेटो पहले ही बताओ है प्रमोद बहनी के लिए चलाया उनका कहा था ये बतावा एक दिन को पगला ही गया है बेटा अरे खुद पगला नहीं है कहता ये तो हम माइंड ही नहीं आए बकली कहता हूं हार जाता है अब अरे हम कहा जाए मैं पहले मां बाप सुना ये बतावा तू लुबुल लुबुल का ये पांच पांच लाख रुपया पांच चक्का वाली गाड़ी मांगतिया आई घर में ममती बैठी सर ब्याह कैसे हो मां ए बेटवा पचवी भी आपकी शादी तो है ऐसे धूमधाम से करब ना देखे वाले ऐसे कैसे करबू एक मेहरारू वही ही बैठी है वही बके तैयार हमऊ का जानत लाया है करे ले चले बे का बेल हमाई कल मेला आया बेल हमाई के शंकर भगवान वाला तेरा तेरस वाला जब चलबे ना तो मंदिर पर भोलेनाथ के आगे मंदिर पहले मिले वही मंदिर पे का मेला का बहाना ले चला ले चले के बाद एक हर जाए जलाए के न रहे बाज न बजे लेकिन माइक पहले सुन लिया
तोहार पतो हुआ तू सास हो हमार पत्निया तो का फुसलाओ बहलाओ हमार धर्मा तोहार ना हुआ यात्रा चिल्लाबू तो मरबे करबू हम निपरवा देबू कौन दिन चिल्ला ना धीरे धीरे फुसला पटा ले चल चली हाँ चला ओका फुसला जा प्यार मोहब्बत पसावा अल्लाह चल के मेलक बहाने ले चला वही रास्ता में जो जंगल परत है वही जंगल में सारा काम कई त्या जब वो ना रहे एक साथ 5 लाख और साथ ब्याह कर लीजिए बेटवाया जब 5 लाख आए रे 5 लाख आए ना मजा आ गया अरे क्या कर रहा है